एक समय एक घने जंगल में एक खतरनाक शेर रहता था। शेर हर रोज कई जानवरों को मार के खा जाता था। जंगल के आधे जानवरों को जब शेर ने खा लिया, तब बाकी बचे जानवरों ने एक बैठक बुलाई कि अगर इसी तरह शेर हमें खाता रहा तो सारे जानवर मर जाएंगे। इसीलिए सभी जानवरों ने ये फैसला किया कि हर रोज एक जानवर शेर की गुफा में जाएगा और उसका भोजन बनेगा। ये प्रस्ताव लेकर सभी जानवर शेर के पास गए। शेर को भी ये प्रस्ताव अच्छा लगा कि उसे अब शिकार करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हर दिन एक जानवर उसके पास जाने लगा। आखिरकार खरगोश की बारी आई। खरगोश दुखी मन से शेर की गुफा की तरफ जाने लगा। तभी रास्ते में उसे एक तालाब दिखा। जब वो उस तालाब के पास पहुंचा, तो उसे तालाब में अपनी परछाई दिखाई दी और फिर उसे एक विचार आया। वो शेर के पास गया। तब शेर ने गुस्से से कहा, इतनी देर से क्यों आए हो? तब खरगोश ने कहा कि रास्ते में उसे एक शेर ने पकड़ लिया था, जो कि बहुत ही डरावना और बड़ा था। ये सुनकर शेर को अच्छा नहीं लगा कि उससे भी बलवान कोई इस जंगल में है। शेर ने कहा, चलो दिखाओ मुझे कौन है वो। खरगोश शेर को लेकर तालाब के पास गया और बोला, तालाब में है वो। शेर तालाब के पास गया और अंदर देखा, तब उसे अपनी परछाई नजर आई। उसने दहाड़ना शुरू किया। पानी में भी उसे वही दिखाई दिया और फिर उस परछाई को मारने के लिए शेर तालाब में कूद गया। तालाब बहुत गहरा था। शेर डूब गया और मर गया। सभी जानवर बहुत खुश हुए कि खरगोश की इस चतुराई से उन सबकी जान बच गई।